मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हर जिले में वार्षिक उत्सव आनंद पर्व मनाया गया। उसी क्रम में झकनावदा शासकीय उच्चतर बालक प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रतिभा पर्व को एक नया रूप देकर आयोजन को भव्य रूप दिया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर बालक प्राथमिक विद्यालय के साथ कन्या प्राथमिक विद्यालय और बालक प्राथमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिभा पर्व को वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया गया। आयोजन का श्री गणेश विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र राठौर के द्वारा मां शारदा की तस्वीर पर पुष्पमाला भेंट कर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया गया। इसके बाद स्कूली छात्राओं द्वारा मां शारदा की वंदना कर आयोजन को आगे बढ़ाया गया। आयोजन में सर्वप्रथम सुगम संगीत प्रतियोगिता, खेलकूद, चित्रकला, सांस्कृतिक आयोजन, कई गतिविधियाँ की गई। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हर जिले में वार्षिक उत्सव आनंद पर्व मनाया गया। उसी क्रम में झकनावदा शासकीय उच्चतर बालक प्राथमिक विद्यालय द्वारा प्रतिभा पर्व को एक नया रूप देकर आयोजन को भव्य रूप दिया गया, जिसमें जिले से और ग्रामीण क्षेत्रों से नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें सभी भाजपा नेताओं ने अपना अपना मत रखा। वहीं भाषण में उज्जैन भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की जुबान फिसल गई। धरना प्रदर्शन में यूरिया को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना था, पर अपनी ही केंद्र सरकार को भ्रष्ट सरकार कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो यूरिया की कालाबाजारी करने वाली, किसान को धोखा देने वाली केंद्र में बैठी भ्रष्ट सरकार है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। अपने खेत में दवाई छिटके पानी पानी से सिंचाई करे, दवाई डाले, निराई गुड़ाई करे, क्या आपके यहाँ 5 दिन तक 5 बोरी यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़ा रहेगा? निश्चित रूप से ये यूरिया की कालाबाजारी और ये किसानों को धोखा, ये धोखा देने वाली सरकार, ये केंद्र में बैठी हुई सरकार ने जो मध्य प्रदेश को किसानों को जो 6,000 रुपए हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।